हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार शाह। आप देख रहे हैं कॉलेज सब कुछ। इस वीडियो में हम बात करेंगे नील रतन सिरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हॉस्टल फ़ी, कॉलेज फ़ी, फूड, प्लेग्राउंड, कैंपस, लेक्चर थिएटर, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल, ये सब के बारे में बात करेंगे। और एसटीडी का इसे बता दूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इस कॉलेज का वो 1873 में हुआ था, तो उस हिसाब से ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो इसलिए आपको जो पेशेंट, जो कैपेसिटी है, जो लोड दिखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलेगी। और क्योंकि गाइस इस कॉलेज में सारे जो इंपॉर्टेंट मशीन्स है वो अवेलेबल है, तो आपका जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत कमाल का होने वाला है। तो इसलिए गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है वेस्ट बंगाल का। फी के बारे में बात करते हैं गाइस, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि वेस्ट बंगाल का ये गवर्नमेंट कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट है, और तो इसका जो फीस है वैसे ही कम है गाइस। तो फीस जो है वो 4,500 पर सेमेस्टर है। अब लोकेशन पर आ जाते हैं गाइस, तो ये जो कॉलेज है वो सियालदा कोलकाता में है। तो गाइस किस आपको सबको पता होगा कि ये जो सियालदा में एक अच्छा सा बड़ा सा ट्रेन का जंक्शन है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ट्रेन का कम्युनिकेशन देखने को मिल सकता है इस कॉलेज के पास से। और जो गाइस ये बस का कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कॉलेज के जस्ट बाहर बस स्टॉप है। तो कम्युनिकेशन का बात अगर देखा जाए तो गाइस कम्युनिकेशन भी कमाल का है इस कॉलेज का। और वेदर पर आ जाते हैं गाइस, क्योंकि ये कोलकाता में है तो वेदर भी गाइस कोलकाता का तरह ही होगा ऑब्वियसली। और आपको गर्म में काफ़ी ज़्यादा गर्म देखने को मिल सकता है, और ठंड में गाइस कुछ दिनों तो ठंड रहती है बहुत, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, तो उस टाइप का वेदर देखने को मिल सकता है गाइस। और लेक्चर थिएटर पर आ जाते हैं गाइस, तो लेक्चर थिएटर जो है गाइस सबसे पहला है वो ग्रैंड लेक्चर थिएटर, जिसे स्वामी विवेकानंद लेक्चर थिएटर भी बोलते हैं। दूसरा है लार्ज लेक्चर थिएटर, जिसे सिस्टर निवेदिता लेक्चर थिएटर भी बोलते हैं, और जिसका जो सीट कैपेसिटी है वो 500 सीट्स है गाइस। तो काफ़ी बड़ा है लेक्चर थिएटर में, 500 सीट्स काफ़ी बड़ा है गाइस। और ये देख सकते हो, ये सिस्टर निवेदिता लेक्चर थिएटर। तीसरा है गाइस स्मॉल लेक्चर थिएटर, जिसे बीसी रॉय लेक्चर थिएटर भी बोल सकते हैं, और इसका जो सीट का जो कैपेसिटी है गाइस वो है 400। और एक है गाइस प्रॉपर लेक्चर थिएटर, और एक है चरक्का लेक्चर थिएटर, एक और है गैनी लेक्चर थिएटर। गाइस मैं ये नहीं बता सकता कि और भी लेक्चर थिएटर है कि नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और लेक्चर थिएटर भी है। और एक गैनी लेक्चर थिएटर का आपको दो पिक्स देखने को मिल सकता है गाइस, ये एक फ़ोटोज़ और ये एक दूसरा फ़ोटो, ये गैनी लेक्चर थिएटर। एक बात बता दूं गाइस, जो मेनली जो क्लासेस होते हैं वो लार्ज लेक्चर थिएटर, गैनी लेक्चर थिएटर एंड चरका लेक्चर थिएटर में होता है। दीज आर द मेन वंस। सभी लेक्चर थिएटर में गाइस एसी, प्रोजेक्टर सब कुछ है, और स्लोपिंग रोज भी है। बस गाइस स्मॉल लेक्चर थिएटर में एसी नहीं है फिलहाल के लिए। अब प्लेग्राउंड में आ जाते हैं गाइस, तो एक बड़ा सा बिग ओपन प्लेग्राउंड है, देख सकते हो गाइस, ये फर्स्ट पिक और ये सेकेंड पिक। तो प्लेग्राउंड है, काफ़ी अच्छा बात है। और जो बैडमिंटन कोर्ट भी है गाइस ये देख सकते हो, कैरम और टेबल टेनिस भी है गाइस कॉमन रूम में, ये बॉयज़ हॉस्टल का कॉमन रूम है, इसमें टेबल टेनिस और कैरम भी देखने को मिल जाएगी आपको। जिम भी है गाइस, इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो रॉड का, जो आयरन रॉड का जितना भी जो इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी सारा अवेलेबल है, तो गाइस उससे भी आप काफ़ी अच्छा जिमिंग कर सकते हो। अब हॉस्टल पर आ जाते हैं गाइस, तो बॉयज़ के लिए टोटल दो बिल्डिंग है, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट और या फिर हाउस स्टाफ के लिए। तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए पहले बात कर लेते हैं गाइस, तो इसमें जो बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी उस बिल्डिंग का तीन विंग्स है गाइस, एक है नॉर्थ विंग, एक है साउथ विंग और तीसरा है एनेक्स विंग। तो जो एनेक्स विंग है गाइस वो 5th फ्लोर तक है, बाकी नॉर्थ विंग और साउथ विंग जो है वो 4th फ्लोर तक है। ये देख सकते हो गाइस, ये बॉयज़ हॉस्टल का जो व्यू है ऊपर से, ये है बॉयज़ हॉस्टल का फोटो। और ये गाइस इसमें इन दोनों में से कोई एक नॉर्थ विंग है और दूसरा साउथ विंग है, और ये तीसरा जो दिख रहा है ये गाइस एनेक्स विंग है। और एक बात बता दूं गाइस, जो बॉयज़ हॉस्टल है उसे स्टूडेंट्स हॉस्टल भी बोलते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो स्टूडेंट्स हॉस्टल, यहाँ पे बोर्ड है, यही बॉयज़ हॉस्टल है यूजी के, बॉय यूजी बिल्डिंग। और ये देख सकते हो गाइस, ये कॉरिडोर है यूजी बिल्डिंग का, ये सब कॉरिडोर है अलग अलग विंग का। ये इनसाइड व्यू देख सकते हो गाइस हॉस्टल रूम का, तो एक रूम पे गाइस टोटल 4 पर्सन रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, कि ये जो 4 पर्सन रहेंगे वो ज़रूरी नहीं है एक ही ईयर के रहेंगे, कोई अलग अलग ईयर के भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई एक रूम पे दो बंदा फर्स्ट ईयर का और दो बंदा सेकंड ईयर का, या फिर कोई एक बंदा फर्स्ट ईयर का, दूसरा बंदा सेकंड ईयर का, तीसरा बंदा थर्ड ईयर का और चौथा बंदा फाइनल ईयर का भी हो सकता है गाइस। तो आपको सीनियर्स के साथ शुरू शुरू में रहना पड़ेगा। ये भी देख सकते हो गाइस, ये बॉयज़ हॉस्टल का बाहर से व्यू है, काफ़ी अच्छा है बाहर से। तो और नंबर ऑफ पर्सन जैसे मैंने बताया गाइस, 4 पर्सन पर रूम, और आपको ये फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर आपको 4 करके ही रहना पड़ेगा गाइस, मतलब 4 4 करके रहना पड़ेगा। और जो रेंट है गाइस वो 12 रुपीज़ पर मंथ है रेंट। इलेक्ट्रिसिटी गाइस वो फ्री है। चेयर टेबल गाइस आपको किसी रूम में देखने को मिल सकती है, किसी रूम में नहीं भी देखने को मिल सकती है, किसी रूम में चार चार भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, तो वो लक का ऊपर है गाइस। और ये देख सकते हो, और एक बात बता दूँ गाइस कि
और जो बेड रहेगा गाइस वो पहले से रहेगा, बस आपको बेडिंग्स अपना डालना पड़ेगा। और ये देख सकते हो गाइस, ये जो बिल्डिंग है ये पीजी एंड हाउस स्टाफ के लिए, पीजीटीज एंड हाउस स्टाफ। और गर्ल्स हॉस्टल का बात कर लेते हैं गाइस, तो टोटल 4 बिल्डिंग है गाइस, थोड़ा अलग अलग जगह में, एक जगह नहीं है। पहला है लेडीज़ इलियट गर्ल्स हॉस्टल, ये देख सकते हो गाइस, ये बाहर का व्यू है, गेट का व्यू गर्ल्स हॉस्टल का, इलियट गर्ल्स हॉस्टल का। ये अंदर का व्यू है गाइस, ये अंदर का व्यू है इलियट गर्ल्स हॉस्टल का। ये जो गाइस, ये जो रूम का व्यू है, ये न्यू गर्ल्स हॉस्टल का व्यू है, ये इलियट गर्ल्स हॉस्टल का नहीं है। और दूसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है गाइस, उसको एनएक्स बोलते हैं, तीसरा को सीबी टॉप और चौथा को ए बी टॉप। और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस, चेयर टेबल रेंट ये सब के वो सेम ही है बॉयज़ का तरह। अब जो फूड के बारे में बात कर लेते हैं गाइस, तो बॉयज़ हॉस्टल में टोटल 2 मेस है, एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक ग्राउंड फ्लोर में। और गाइस ये जो आप किसी भी तरह से खा सकते हो, या फिर मंथली भी फिक्स्ड करा सकते हो, या फिर रोज़ाना भी आप खा सकते हो और पैसा पे कर सकते हो डेली। और इसका जो मील का जो प्राइस आएगा गाइस, वो एवरेज 40 to 45 रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप वेज या नॉन वेज को अगर एवरेज अगर निकालोगे मिला के, तो 40 to 45 रुपीज़ आएगा पर मील। ये देख सकते हो गाइस, ये एकेडमिक बिल्डिंग है, ये भी एकेडमिक बिल्डिंग है। और लाइब्रेरी में देख सकते हो गाइस, लाइब्रेरी का टोटल 2 पार्ट है, एक है एसी और दूसरा है नॉन एसी गाइस। तो ये मोस्ट प्रॉबली नॉन एसी का पार्ट है लाइब्रेरी का। और बाकी जो टाइमिंग है गाइस, वो 8 AM till 6 PM है, तो टाइमिंग ठीक है गाइस, अच्छा है। और ऑडिटोरियम में अगर देखोगे गाइस, तो एक बहुत बड़ा वेल मेंटेन ऑडिटोरियम है गाइस, जिसका कैपेसिटी है गाइस अराउंड 1000 स्टूडेंट, तो काफ़ी बड़ा है, अच्छा है गाइस। और हॉस्पिटल में गाइस, जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी अच्छा पेशेंट लोड आपको देखने को मिलेगी। और इसी सिर्फ एक लौता ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गाइस वेस्ट बंगाल में, जिसके पास पेट स्कैन है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। तो कुछ अच्छा चीज़ है इस कॉलेज के पास, और इसीलिए जैसे मैंने बोला गाइस कि इस कॉलेज के पास अच्छा मशीन्स एंड अच्छा पेशेंट लोड कैपेसिटी है, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये देख सकते हो गाइस, ये डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ये हॉस्टल का व्यू है गाइस, ये पॉन्ड है, पॉन्ड। ये देख सकते हो गाइस, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी। और नियर बाई प्लेसेस का बात करें हो गाइस घूमने के लिए, तो जैसे मैंने बताया कि पहले वीडियो में बताया था गाइस, ये कोलकाता इतना बहुत सारा चीज़ है देखने को, आप एक 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 वीडियो में मैं नहीं बता सकता इतना सारा कुछ, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप देख लेना गाइस, सर्च कर लेना क्या क्या है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और एक बात गाइस, कि अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को मुझे अपडेट या फिर चेंज करने का ज़रूरत पड़ा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता गाइस आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिले। मैं अपना बेस्ट लगा के इस इन यहाँ पे बनाया हूँ ये इसको, तो गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपको इसी कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन है अगर चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे बहुत सारा कॉलेज का आने वाला है। और जो MBBS के टिप्स या फिर लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हो, तो फिर आप सब्सक्राइब करके रखो। सो थैंक यू गाइस।